और इधर मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर कानून बनाने की तैयारी में है राज्य सरकार और इस कानून का स्वरूप तय करने में अफसर जुट गए हैं। तो कानून बनाने के लिए सरकार 5 महीने पहले भी हल्की मशक्कत कर चुकी है। जिन राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन किया गया वो खुद खारिज हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 30 दिन में रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट ने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में अब राज्य सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है और ऑनलाइन गेम इसके साथ ही गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है, जिसे लेकर अफसर जुट गए हैं कानून का स्वरूप तय करने में। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ऑनलाइन गेम को लेकर जिस तरह से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार अब दिशा में कानून बनाने के बारे में सोचे और शायद एक पहल भी शुरू हो चुकी है। जी जया, स्पष्ट तौर पर कि पूर्व में हमने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा है कि कुछ युवाओं ने गेम के चलते खुदकुशी की भी घटनाओं को अंजाम दिया है, कई बार वारदात भी अंजाम दे देते हैं और लगातार गेम के एडिक्ट रहते हैं। ऐसे में लगातार यही मांग उठती रही है कि इसको लेकर कोई एक कानून बनना चाहिए। पूर्व में हम देख चुके हैं कि प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार एक कानून लाएगी और यही कारण है कि 5 महीने तक मंथन किया गया। जिन प्रदेशों में इस तरह के कानून लाया जा रहा है या लाया जा चुका है उन पर कहीं ना कहीं ड्रॉप पर चर्चा की गई, लेकिन वो जो ड्रॉप्ट अन्य राज्यों के ड्रॉप थे वो खुद हाई कोर्ट में खारिज हो गए। वहां पर भी उस तरीके का कानून लागू नहीं हो पाया। यही कारण है कि 5 महीने जरूर मंथन किया लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा। हाई कोर्ट ने पूर्व में जब सुनवाई करी तो मध्य प्रदेश सरकार से जवाब किए कि आखिर आप लोग जो कानून बनाने वाले थे उसका क्या हुआ, और यही कारण है कि जब हाई कोर्ट में फटकार लगी उसके बाद गृह विभाग और विधि विभाग एक बार फिर से जुट गया है, उसके अफसर फिर से जुट गए हैं कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए। इसमें साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में जो युवा हैं जो गेमों के चलते वारदात को अंजाम दे रहे हैं, खुद वारदात का शिकार हो रहे हैं, इस पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था। अब पूरे अफसर विधि विभाग के हों या गृह विभाग के, साइबर एक्सपर्ट के साथ मंथन कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जल्द एक ड्राफ्ट तैयार हो सकता है और प्रदेश सरकार उसे जल्द ही कानून का रूप दे सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यदि वो हाई कोर्ट में जाता है तो किसी भी तरह से कोई खामी के चलते खारिज ना हो। बिल्कुल, लेकिन इस बात का राज्य सरकार और तमाम जो विधि विशेषज्ञ हैं वो भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे आकर्ष, कि इसे खारिज ना किया जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ऑनलाइन गेम की चपेट में जिस तरह से युवा आ रहे हैं, एक नशे की तरह ये युवाओं में काम करता है और इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार कानून बनाए और उसकी तैयारियां अब शुरू कर दी गई है।